अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम सोशल मीडिया ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेसबुक पेज का जब आप न्यू एडमिन क्रिएट करते हैं तो न्यू एडमिन क्रिएट करने के लिए जब हम अपने फाइन फ्रेंड से जाके उस फ्रेंड को फाइंड करते हैं यानी कि तलाश करते हैं तो वहाँ पर सर्चिंग के दौरान वो हमारा फ्रेंड शो नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप उस फ्रेंड को कैसे शो करके एडमिन बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। मोबाइल स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर मैं अपने फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में जो थ्री लाइन्स होती हैं मैं इस थ्री लाइन्स पर क्लिक कर लेता हूँ। इन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग होती है, आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अब आपको अपनी जो फेसबुक पेज की सेटिंग होती है पेज सेटिंग में चले जाना है। पेज सेटिंग को आपने थोड़ा सा जब क्लिक कर लेना है तो उसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको पेज एक्सेस में चले जाना है। यहाँ से पेज एक्सेस में चले जाते हैं। पेज एक्सेस में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक एडमिन है यानी कि ये मैं खुद एडमिन हूँ। मैं न्यू एडमिन क्रिएट करना चाहता हूँ। न्यू एडमिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं अपने सर्च फ्रेंड में जाता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद सर्च फ्रेंड में जाता हूँ। सर्च फ्रेंड करने के बाद यहाँ पर मोहम्मद आमिर जो मेरा फ्रेंड है इसको मैं एडमिन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च भी करता हूँ लेकिन सर्चिंग के दौरान वो यहाँ पे उसका नाम शो नहीं होता। आज की वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको कैसे शो करके इसको फाइंड करके उसको एडमिन बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्चिंग के दौरान भी वो शो नहीं होता तो आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ पर फेसबुक होती है अपनी सर्च वाली जगह उस पर आपने सर्च कर लेना है। आपने जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैं मोहम्मद आमिर का सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो यहाँ पे शो हो रहा है। एडमिन बनाने के लिए फर्स्ट जो होती है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे उसकी ये आईडी आ गई। आईडी आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसकी प्रोफाइल को कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने उसकी प्रोफाइल को कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि एडमिन बनाने के लिए फर्स्ट ये होना चाहिए कि जो जिसको आप अपने पेज का एडमिन बनाना चाहते हैं उसने आपके पेज को लाइक कर रखा हो, यानी कि आपके पेज को जो भी हो आपके पेज को लाइक उसने लाजमी किया हो, आपको इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया हो, फिर ही वो एडमिन बन सकता है। अच्छा मैं दोबारा उसी जगह पे जाता हूँ जिस जगह पे मैं सर्च वाली जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैं अपने फ्रेंड को तलाश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं जो कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं मैं जैसे ही पेस्ट किया है पेस्ट करने के दौरान जो मेरा फ्रेंड था नहीं मिल रहा था एडमिन के लिए तो वो मुझे बआसानी मिल गया है। यहाँ से मैं इसको फुल कंट्रोल एक्सेस दे के अब एडमिन बआसानी बना सकता हूँ। अगर आप भी किसी एडमिन की न्यू बनाने सर्च के दौरान परेशान है तो आप इसी तरीके से अपने फ्रेंड को फाइंड करके एडमिन न्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।